अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब खाइए से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और ये जी रमज़ान स्पेशल जो चीज़ें फ्रोज़न हम लोग कर सकते हैं, फ्रीज करके रख देंगे और रमज़ान में इफ्तारी के टाइम हम लोग बना लिया करेंगे, निकाला और फिर उसमें फ्राई कर लिया। और उसके लिए मैंने ना लिया है प्याज, एक प्याज है मीडियम साइज़ का, उसको तकरीबन 3 चम्मच ऑयल में मैंने इसको ना मतलब डाल के 3 चम्मच ऑयल डाल के एक मीडियम प्याज डाला। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसमें मैं डालूँगी ये चिकन श्रेड किया हुआ है, बॉयल किया हुआ। ये है जी शिमला मिर्च बारीक बारीक, इस तरह के बारीक बारीक कटी हुई है। और ये है जी बंद गोभी, और ये है जी गाजर, काजू को मैंने ना कद्दूकस कर लिया, ठीक है जी। और फटाफट ये हो जाएंगी चीज़ें। और स्पाइसी में मैं डालूँगी नमक, काली मिर्च, और इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर बस। और जो क्या कहते हैं रोल और समोसे के लिए मैं ना बाज़ार से रेडीमेड वो ले आई हूँ पट्टियाँ, तो उससे मैं बनाऊँगी। घर में मैंने ट्राई किया लेकिन वो मेरे से खास नहीं बनी, और वैसे भी वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती जो हम घर में बनाते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं चलती, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जो रेडीमेड मिलती हैं वो आप तकरीबन कह लें कि 15 से 20 दिन आराम से उसको फ्रीज करके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी मैं ये फ़िलहाल इसको करती हूँ थोड़ा सा सॉफ्टिंग, ज़्यादा नहीं, कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट सा करना है इसको। तो बाकी इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डाल दूँगी, तो स्पाइसी डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्टिंग कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ ये उसका थोड़ा सा हुआ है कलर, तो हमने कल थोड़ा सा प्याज वगैरह थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्याज का सॉफ्टिंग हुआ है। उसके अंदर मैंने ये गाजर जो मैंने कद्दू का चीज़ें वो डाली है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये शिमला मिर्च, और ये जो है जी 3 इंच के लिए 2 गई इंच के लिए ना छोटी वाली वो डालूँगी। मैंने गोभी और चिकन लास्ट में डालूँगी क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो जल्दी मैं डालती हूँ मैं कर सकती हूँ। ये देखें देखने में ऑयल ज़्यादा लग रहा था, और कैमरा फोकस करो, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। अच्छा हाँ जी देखने में ऑयल ज़्यादा लग रहा था इसका। अच्छा ये देखने में आपको बता रही थी कि ज़्यादा लग रहा था, अब देखने बिल्कुल ऑयल ख़त्म हो गया होगा इसके अंदर से। तो अब मैं इसमें स्पाइसी डालती हूँ। ये मैंने डाला जी इसके अंदर नमक 1 चम्मच, और इसके अंदर जाएगा जी जाएगी तो ये जाएगा नहीं जाएगी ब्लैक पेपर 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच हैं ये वाले, तो ये मैं 2 डालूँगी इसके अंदर, ठीक है जी। और इसके अंदर जाएगा ये कहने चिकन स्प्रिंग रोल है, चिकन स्प्रिंग स्मोक सॉस है, ठीक है जी। ये इसके अंदर चला गया जी चिली सॉस, और ये आपने अपने अंदाजे से ही अपने हिसाब से डाल लेना, इसका कोई इतना मैंने मेजर नहीं किया तो ये इतना इतना, ठीक है। आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, स्पाइसी भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, और ये इसके अंदर भी नहीं करना जैसे ये स्पाइसी है। इसको मैं अब उतार लेती हूँ चूल्हे से, मिक्स करती हूँ फिर चूल्हे से उतार लेते हैं, इसको ठंडा करते हैं फिर इसकी फिलिंग करते हैं, फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जिसके अंदर मैंने ना सिर्फ अभी डाला है जी चाइनीज़ नमक डाला, वो नहीं था डाला वो मैं भूल गई, वो डाला है इसके अंदर। और ये देखें जी मैरिनेशन रेडी हो गई है, अब इसको मैं ट्रे में निकाल के इसको ठंडा करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग गर्म गर्म नहीं करेंगे क्योंकि फिर उससे वो जो रोल्स हैं वो जो समोसा है फट जाएंगे। फिर वैसे मैं फैला के रख दूँगी तो थोड़ी ठंडी होती है, तो फिर उसकी स्टफिंग करते हैं और बस जी, ठीक है जी। ये खास से मैं काम कर रही हूँ इसलिए थोड़ा ऐसे रफली रफली हो रहा है, तो ठीक है जी। इसको मैं ट्रे में फैला लेते हैं, थोड़ा ठंडा होता है, और उसके बाद इसकी स्टफिंग करते हैं। तो स्टफिंग करके वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी कितनी स्टफिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है। मेरे पास जो पट्टियाँ हैं वो छोटे साइज़ की हैं, और मैं फिर छोटी ही बनाऊंगी, ठीक है। और चलें जी मैं फिर आपको बाद में मिलती हूँ, स्टफिंग करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। और बस सिंपल सी रेसिपी रमज़ान की अदद रेसिपी है जी मेरी, ये वाली बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। हाँ जी इस टाइम मैं बना रही हूँ भरे हुए टिंडे, ये मसाला अम्मी ने बना के भेजा था मुझे। मैं हाँ जी इस टाइम मैं बना रही हूँ जी भरे हुए टिंडे शाम के लिए, और ये मसाला जो मेरा टिंडों का था वो अम्मी ने बना के दिया था, अम्मी ने बना के भेजा है। और बाकी ये मैंने ये टिंडा मोटा था बड़े वाला,
तो उसको मैंने काट लिया, बाकी तो कट लगा के मसाला मैंने ऐसे भर लिया, तो कुछ के मुंह खुल गए हैं तो वो बाहर निकल आए हैं। और बाकी इसमें प्याज मैंने गोल्डन किया, थोड़ी सी टमाटर हरी मिर्च डाल दिए, और वो जो एक टिंडा मैंने काटा था वो डाल दी, और कुछ बाकी मसाले डाले हैं बस। अभी इसको मैं करती हूँ साइड पे, तो इसके अंदर भी मैंने टिंडे जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फ्राई किया था ये डाल देते हैं इसके अंदर सारे, और बस अब इनका फिर दम पे लगा देंगे और ऐसे ही मेरे टिंडे रेडी हो जाएंगे। तो मैं दिखाना था आपको, लेकिन बच्चों ने बड़ा मन किया हुआ था, फिर मैं आपको दिखा नहीं सकती कि कैसे मैंने कट लगा के इनके अंदर मसाला भरा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी चीज़ें ये पकती रहनी है मेरे, मैंने बनाते रहना इस तरह की चीज़ें, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको सफेद दिखा दूँगी। अभी फिलहाल मैं इसके ऐसे दम पर लगा लगे लगाने लगी, और ये दम में जो थोड़ी बहुत कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। और ये है जी मेरी आज का रात का खाना, भरे हुए टिंडे, मसाले के भरे हुए टिंडे। और फ्लैश इसका इसलिए नहीं ऑन हो रहा क्योंकि फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो थी, लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है थोड़ी देर पहले। और ये मैंने धनिया काट के रखा हुआ है, इसको मैं ना धो के तो फ्रीज़र में रख लूँगी, फ्रीज कर लूँगी। और थोड़ा ये देखिए मैंने स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी है चूल्हे की, अभी भी देर लॉच ऑन स्लो हो गई, ठीक है। तो बस ये स्ट्रॉबेरी काटी है मैंने, ये खाने लगी हूँ, बच्चों ने सैंडविच बना के खाए हैं, और सैंडविच में तो वैसे ही खुला छोड़ गए हैं। ओह हो, गर्मी बड़ी शुरू हो गई यार, बताइए मुझे कमेंट करके बताइएगा, इनके तरफ गर्मी है और इनकी तरफ अभी मौसम कुछ बेहतर है, लेकिन हमारी तरफ तो बहुत गर्मी है। और वो देखें माशाल्लाह बर्तन तोरे वाले टेर लग गया है, वो मैं धोती हूँ सांस चढ़ गया। अच्छा तो और खरबूजा काट के देती हूँ, बेटा खरबूजा मांग रहा है उसको काट के देती हूँ खरबूजा। और बताइएगा खरबूजा किस किस कौन कौन लेके आ रहा है, कौन कौन खा रहा है, उनके मीठे ज़्यादा निकलते हैं, उनकी इनकी तरफ फीके निकलते हैं, मुझे बताइएगा लाजमी। तो चलें जिसको मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा लूँ, इससे पहले इसकी बैटरी बिल्कुल टन हो जाए तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ। तो बस ये थोड़ा सा मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी बस, तो बस टाटा बाय बाय। हाँ जी जी मेरा फ़ोन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज हो चुका है, और मैं अभी इसको लगाने लगी हूँ जाग। और ये है जी दूध, इसको मैं लगाऊंगी जाग। एक मिनट पहले मैं स्टैंड निकाल लूँ, स्टैंड मेरा बेटा इसके अंदर गुस्सा हो गया और गंदा बच्चा। तो मैं दूध रखती हूँ उसको, तकरीबन दो मिनट मैं लगाऊँगी इसको, थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको जाग लगा के ऐसे ही ये मैं लगा दी है। और धनिया वैसे का वैसा पड़ा हुआ, मैं वैसे इतना रखना काली रखा ही जा रहा। अच्छा जी मैं आपको दिखाने लगी थी ये हैं जी किट कैट्स जो आई हैं, मेरे बच्चों के बाबा ने भेजी हैं जी, मेरे बच्चों के बाबा ने भेजी हैं। और उनमें से मेरे बच्चों ने ये देखे माशाल्लाह, चेक करें मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये था कि अभी खोली हैं तो अभी हैं और नहीं माशा देखें। तो बच्चों ने बस शुरू कर लिया हुआ काम, और ये पूरा डिब्बा है, दो डिब्बे आए थे तो दो के भी तीन आए थे, एक मेरी अम्मी लोगों के लिए, मेरी छोटी बहन के लिए आया था, और एक हमारे लिए आया है, और एक मेरी नंद जो मेरी बाजी हैं जिठा मेरी नंद है उनके बच्चों के लिए आया है। तो वो सब ने अपने अपने डिब्बे ले लिए हैं, ठीक है जी। और हमारा माशाल्लाह अभी शुरू हुआ, मैं मुझे इतनी पसंद नहीं है खाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा जो बंदा क्रेवी होकर खाता है तो बड़ी क्रेविंग होती है, बड़ा क्रेजी होकर खाता है, वो चीज़ नहीं है, खा लेती हूँ ज़्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत। हाँ जी और टिंडे माशाल्लाह इतने मज़े के और इतने मज़े के बने, मैं आपको क्या बताऊँ, साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी और साथ में टिंडे, आए हाय हाय मज़ा आ गया। और अभी मैं ये बर्तनों का ढेर हूँ धोने लगी हूँ बर्तन, और बर्तन धो के उसके बाद फिर मेरी बेटी कह रही है मुझे नूडल्स बना के दें, ये जो आपको थोड़ा नज़र आ रहा है इसमें आटा था, तो आटा मैंने डाला है बाल्टी में और थोड़े को मैंने धो के रख दिया, क्योंकि फिर धोया हो तो फिर आराम से आगे से पेन शीन जो होता है वो हम मतलब अम्मी मेरी गाय के साथ पेन करके फिर आराम से फिर थोड़े में डाल देते हैं, ठीक है। अगर आटा ना मतलब थोड़े को ना धोएं फिर जगह जगह जो थोड़ा बहुत आटा होता है वो गिरता रहता है, ठीक है जी। और अभी मैं ना रखने लगी हूँ क्या से, अभी जाग ले लो जी, जाग का टाइम हो गया, मतलब कि जाग लगाने लगी हूँ मैं। तो करना क्या है मैंने जॉब के लिए, ये मेरे बेटे को मैंने दी हुई है, जब वो पारा पढ़ने जाता है तो ये टोपी पहन दी, अब उसका
घर में भी उसने पहनी शुरू कर दिया और जहाँ दिल करता है उधर फेंक देता है। अच्छा तो ये जी मैं जाग लेके थी अपने हमसायों के घर से तो जाग मैंने ऐसे रख दिया, दूध मतलब कि ज़्यादा हॉट नहीं, थोड़ा सा गर्म। तो ये देखें ज़रा इस, अच्छा जी ये जो दूध है थोड़ा सा भी मुझे लगता है ज़्यादा गर्म है, अगर ज़्यादा गर्म दूध हो तो उसको भी जाग नहीं लगती, मतलब दही नहीं जमता। ठीक है तो अब थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, फिर मैं इसमें जाग लगाती हूँ। ये वाले जो चम्मच है, ये वाला तकरीबन 1.5 चम्मच कह लें, ये मैं भर के इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है और मेरे मोबाइल के ऊपर ना चूंटी पता नहीं कहाँ से आ गई है। अच्छा तो ये ले जी, मैं आपको कहने भूल गई, जिस जिसको चाहिए वो किटकैट ले सकता है। ठीक है ये मैंने ना वो बड़ी भेजी है, मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, मैंने उन्हें खुद ही कहा था कि छोटी वाली जो है वो भेजिएगा, फिर एक बच्चा एक टाइम पे खाता है, बड़ी हो तो बच्चे कहते हैं कि पूरी की पूरी हम लोगों ने खानी है। तो ये मतलब कह लेंगे 2 पीस होते हैं इसके अंदर ऐसे वाले, तो ठीक है ये वाली। चलें जी इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, क्योंकि गर्मी हो गई है स्टार्ट और ये जो चॉकलेट्स ये मेल्ट हो जाती हैं, तो इनको मैं रखती हूँ। और बाकी बर्तन धोते हैं और साथ में मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स, क्योंकि मेरी बेटी ने फरमाइश की है, उसने खाना नहीं खाया, उसने कहा जी मैंने इंडे नहीं खाने। ठीक है जी तो उसको भी मैं बना के लेने लगी हूँ नूडल्स, वो नूडल्स खाएगी और मैं बर्तन धो लूँ। ये थोड़ा मैं बाहर रखी हूँ तो काफ़ी हद तक ये नुचड़ गया, इसको मैं बाहर रखती हूँ, ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह। और चलें जी मैं ये काम कर लूँ, फिर नूडल्स में दिखाती हूँ कि मैं अपनी किस तरह नूडल्स बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाला है मैंने। तो ये जो है ये चटपटा नूडल्स हैं, ये चिकन वाली नहीं है, मेरे बच्चों को चिकन वाली पसंद नहीं है, तो ये मैंने डाल दी है। सिंपल सी रेसिपी है मेरी, कोई इतना खास नहीं है, कुछ लोग पानी ज़्यादा डालते हैं कुछ कम डालते हैं, लेकिन मैं तो 1 गिलास पानी डाला, 2 पैक नूडल्स के लिए। और देख रहे हैं चीज़ें मेरे पास है, लेकिन मैं ना मुँह से फोड़ रही, पता नहीं हम लोगों का ये देसी काम कब खत्म होंगे। अच्छा तो ये मैं मसाला भी साथ डाल दूँ, ठीक है दोनों पैकेट का, मतलब दो मसाले के जो पैक है साथ डाल दूँगी। हलो सर सारा खरीद लिया जी, मैं तो सारा दिखाई है और है। अच्छा बात इसको कर दिया जी मिक्स, और टिंडे मैं निकालने लगी हूँ, ये देखें ये इस पेपर मैंने ढकना दे दिया, कोई सा भी ढकना दे दिया, सॉस पैन का मिल नहीं। और इसकी स्पीड मैंने कर दी है बिल्कुल स्लो, और ये जो मैस पड़ा हुआ है इनको मैं बनाने के बाद सारा ये साफ़ करूँगी। और जो टिंडे हैं वो भी मैं निकालने लगी हूँ, क्योंकि मौसम हो गया जी चेंज, गर्मी हो गई है, और गर्मी से किचन में असल में सारा दिन तो नहीं, जब मतलब कुकिंग करते हैं तो हीट हो जाती है, तो हालांकि हम जो विंडोज़ खुली होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब गर्मी तो खैर जब गर्मी हो जाती है गर्मी ही होती है। तो उस दिन मैंने सालन बनाया, पता नहीं कौन सा सालन था, तो वो दोबारा जब गर्म किया ना तो पता नहीं जीप भी स्मेल आने शुरू हो गई थी, इसलिए फिर अम्मी कहती थी कि आप रात को ना निकाल के ना फ्रिज में रख दिया करें। तो चलें जी मैं धोती हूँ अपने बर्तन और साथ में कढ़ाई खाली करते हैं, और वो जो आपको दूध नज़र आ रहा है उसको ये ना बोले जी कोई देख के जी आपने बेटे का दूध ज़ाया किया हुआ है, ये है जी दूध डिब्बे का, और ये आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चों को पिला दें, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर उसको नहीं पिलाते। तो बनाया तो मैंने थोड़े से, लेकिन उसने फिर वो खाना खाने लग गया अपने बहन भाइयों के साथ, उसने फिर दूध नहीं पिया। और इधर मेरा जो जाग लगाने के लिए दूध है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा और इसको ये देखें ज़रा जी, ये 1 चम्मच ये इसको डाल के सिंपल, कोई कुछ इतना मज़े का, मैं घर में ही लगाती हूँ, पहले भी मैं घर में लगाती थी, तो अब तो खैर मैं खासकर घर में लगाती हूँ, बाहर से नहीं मैं मंगवाती। 1 चम्मच हो गया और ये है 1 चम्मच, ये भी वैसे भरा ही हुआ लेकिन वो ज़्यादा फुल था, ये थोड़ा कम है। इसको सिंपल मैंने स्टैंड के ऊपर रखा है, नीचे नहीं रखा, क्योंकि मैं ना चूंटियाँ बहुत ज़्यादा बारीक बारीक ब्राउन कलर की चूंटियाँ आई हुई हैं, और वो हर चीज़ पर पहले मीठे पे आती थी, अब हर चीज़ पे आती हैं, तो इसलिए फिर मैं इसको नीचे स्टैंड रख दिया। और ये देखें सुबह इंशाल्लाह मैं, ये देखें ये चूंटी नज़र आई है, ये इस तरह चूंटियाँ आई हुई हैं, इसको स्टैंड पर रख दिया।
तो बस जी ठीक है जी, ये आपको झाग लगाने भी सिखा दिए हैं किस तरह लगती है, नूडल्स भी बता दिए किस तरह लगती हैं, बर्तन धोने का तरीका रह गया वो मैं हर बंदे को आता होगा तो इसलिए उसको छोड़ें। तो बस अभी के लिए बस इतना ही है, तो ठीक है जी फिर मिलते हैं नए काम के साथ। ये देखिए जी जनाब, मैंने दही दिखाना था तो मेरे उठने से पहले मेरे अम्मी सास ने और बच्चे छोटे बेटे ने ये डलवा के तो खा लिया दादू से, तो ये है जी दही। फिर देखिए अब दही, ये माशाल्लाह बड़ा मज़े का दही जमता है, मीठा मीठा सा, और घर में हर हाँ चीज़ जो बनती है वो बहुत ही बेस्ट है। और ये बेटे ने डलवा के छोड़ दिया हुआ है, और इधर मैं बना रही हूँ चाय। बाहर हमारी गली में आए हुए हैं जी कैमल, और बच्चों ने शोर डाला डाला हुआ है कि कैमल्स का। ठीक है जी, मुझे पता ही नहीं था कि फ्लैश फोन का बंद है, कितना गली में शोर है। और ये मैंने चाट थोड़ी सी बनाई है आज, तो आज मैंने बनाई है जी खट्टी चाट, इमली में इमली का जो पानी डाल के चाट बनाते हैं ना लोबिया चने जिसे हम लोग कहते हैं पानी वाले, हम लोगों की तरफ से खाए जाते हैं, हम लोग बड़े मज़े से खाते हैं। तो उसके लिए रात को मैंने ये इमली भी खो दी थी, चाट मैंने बना दी है, अब मैं फ्रिज में बना के रखी हुई है, तो क्या मैं बच्चे सारे दिन खाते रहेंगे फिर। और साथ में ये है जी दही, आप देख लें ज़रा ये क्या पड़ गया दही के अंदर, ये देखिए माशाल्लाह बड़ा मज़ेगा और ज़बरदस्त दही रेडी हुआ। और ये मेरे बच्चे ने खाया है, बाकी छोड़ दिया है, और दादू ने सुबह सुबह उसको डाल के लिया था तो उसने भी छोड़ दिया, मुझे पता होता है ना इतना खाता है उतना ही को डाल के देती है। ये देखें बाहर गली में आ गए हैं रेडी वाले, कोई ना कोई रेडी वाला आ जाता है। और ऐसे चाय बनाए ना इसके बाहर चाय ना, जो ये होटल्स वगैरह होते हैं चाय के ढाबे वगैरह, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं इतनी ऊपर तक ले जाके ऐसे ऐसे करते हैं, तो बड़ी मज़े की चाय होती है वैसे वो भी ना। चलें जी चाय में इतना ही मैंने इसका पहले ले के आना है, अगर ज़्यादा मैं इसको डाल के अगर काली हो जाएगी तो मेरी